क्या आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का स्क्रीन टाइम आउट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का स्क्रीन टाइम आउट कैसे इंक्रीज करते हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप लोग को प्रॉपर तरीका समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर। अगर आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का स्क्रीन का टाइम आउट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो विकल्प है। जैसे कि आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसको शट डाउन करना चाहते हैं, और दूसरा जैसे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसको स्लीप मोड में डालना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर विंडो के सर्च बार में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल पैनल। यदि आपके पास विंडो 7 है तो कंट्रोल पैनल में आपको हार्डवेयर एंड पावर ऑप्शन में देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर विंडो 10 और विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाकर यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन सर्च करना है। यानी कि पावर ऑप्शन में आपको वो सेटिंग मिलेगी जिससे आप लोग अपने पीसी का जो स्क्रीन टाइम आउट है शट डाउन होने का उसको बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर पावर ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए चूज योर मतलब पावर ऑप्शन कस्टमाइज कर सकते हैं पावर प्लान को। यहाँ पर पहले से बैलेंस रिकमेंडेड सेटिंग दी गई है, नीचे हाई एंड परफॉर्मेंस मोड दिया गया है जिससे हम यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस के जरिए हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा अलग से प्लान दिया गया है जिससे बैटरी सेविंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने अपने हिसाब से इसका जो है सेटिंग करना होता है। अब यहाँ पर दिया गया है अलग सेटिंग जैसे कि चूज योर पावर प्लान। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएट न्यू पावर प्लान, इसके अलावा नीचे भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर बेसिकली अपने कंप्यूटर और जो है लैपटॉप के हिसाब से सब कुछ सेटिंग करना होता है। तो यहाँ पर मैं चूज ए न्यू प्लान पर क्रिएट करता हूँ ताकि मैं अपने कंप्यूटर का जो टाइम आउट है उसको सेट कर पाऊँ। तो यहाँ पर दिया गया है चूज ये परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस मोड में। यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारा यहाँ पर टर्न ऑफ पीसी स्क्रीन पहले नंबर पे और दूसरा है स्लीप मोड में दिया गया है। तो दूसरा जो है वो बेसिकली स्लीप मोड के लिए है, पहले ही जो है जो स्क्रीन का इस टाइम आउट होता है पहले में वेरी करता है ज़्यादा। तो यहाँ पर पहले से जो दिया गया उसको हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ ज़्यादा रहता है कुछ कम रहता है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर नीचे के साइड में नेवर दिया गया, अगर आप इस पर नेवर पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो इस कंप्यूटर का या लैपटॉप का स्क्रीन है वो बंद ही नहीं होगा, मतलब चलता रहेगा जब तक आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर देते, तब तक आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो हमेशा ऑन ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर स्लीप मोड में आकर भी आप इसको अलग से जो भी टाइम फॉर्मेट चाहते हैं यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, बाद में चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पर स्क्रीन का टाइम आउट सेट कर दिया, उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली चेंज हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर आप चाहें तो अलग से यहाँ पर ये पहले से जो प्लान है उसको रीस्टोर कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जो आपने अभी अभी चेंजेस किया है इसको चेंज करना, तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यस कर दीजिए तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मोड में हो जाएगा। यानी कि जो पीसी के हिसाब से जो सही रहेगा, यानी कि जो प्रीवियस सेटिंग होती है उसमें ये चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम आउट है उसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का स्क्रीन टाइम आउट कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं।